प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज इस मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में देश के 526 जिलों के तकरीबन 1,00,000 व्यक्तियों को रियायती दर पर ऋण मिलने जा रहा है। गरीब वंचित महिला किसानों का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कई सरकार ऐसी आई जिन्होंने सिर्फ गरीब हटाव बना रहा, किसानों का उत्थान, गरीबों का उत्थान करने की बात की। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जन का जीवन स्तर बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज इस मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में देश के 526 जिलों के तकरीबन 1,00,000 व्यक्तियों को रियायती दर पर ऋण मिलने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी जो हमारे लाभार्थी हैं उन सभी को बधाई भी देता हूं। इस ऋण से आप जो कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसमें आपको बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ सफलता मिले, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। मैं प्रधानमंत्री जी से संवाद का सौभाग्य प्राप्त करने वाले प्रदेश के सफाई मित्रों एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी वाणी से अधिक ऊर्जा हमें मिलती है, उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलने वाला है। मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लाभार्थियों का अभिनंदन करता हूं। आपका उत्साह देखकर मुझे संतोष की अनुभूति होती है। इतनी बड़ी संख्या में इस उत्साह के साथ आपके इस कार्यक्रम में भाग लेने से जाहिर होता है कि आप लोगों के उत्थान में हमारा प्रयास सफल हो रहा है। गरीब वंचित महिला किसानों का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान किए बिना कोई भी राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। हमें मालूम है कि देश के विकास में युवा, महिला, किसान, मजदूर बहुत आवश्यक है। जो भी सरकार आती है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि कई सरकार ऐसी आई जिन्होंने सिर्फ गरीब हटाव बना रहा, किसानों का उत्थान, गरीबों का उत्थान करने की बात की। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जन का जीवन स्तर बदलने का काम किया है। उनकी हर एक योजना उस व्यक्ति के लिए है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की योजना कहा था। अंतिम पंक्ति में वह व्यक्ति खड़ा जिसको आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को किस तरह हम पूर्ति कर सकते हैं। 2014 के बाद हमारी केंद्र की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको बढ़ाने का काम कर रही है।